बार आपने कर दिया है तो ऑटोमेटेड जो गेट्स हैं वहाँ से आप ईजिली जा सकते हो पासवर्ड स्कैन करके। फर्स्ट टाइम मेरी एंट्री थी वाली, तो मैं सोच रहा था दोबारा कमाने का मौका मिलेगा, आ गया मौका मिल गया दोबारा। क्या मैं एक्चुअली दो बार यहाँ पर और एक्स्ट्रा आऊँगा, मीन्स टोटल तीन बार हो गया। ये रहा ट्रांसफर्स के लिए अराइवल का, वेरी मस्त बढ़िया लग रहा है। कब्ज़ आप जो बाहर से हैं वो अंदर भी दिख रहे हैं प्रॉपर। तेरह दस, एक दस की लैंडिंग का टाइम था, एक दस पे ही लैंड हुए। इन्फेंट की ट्रॉलीज दी हुई है भाई, सब रखा हुआ है। अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ अभी तक की डेंजरस कंट्री में, जो सबको जानता है कितनी डेंजरस है क्या है, और वॉर जोन कंट्री कह सकता हूँ। अभी रिसेंटली कुछ लड़ाइयाँ भी हुई हैं और स्टिल वॉर जोन में ही है वो, सो लेट्स सी देखो क्या होता है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे को वहाँ पर छः दिन अभी जाना है, छः दिन वहाँ पर रहना है, सो एनीथिंग कुड हैपन इन बिटवीन सिक्स डेज। लेट्स सी कैसे आता हूँ कैसे जाता हूँ। खाने पीने का देखना पड़ेगा मेरे को, खाना पीना कैसे, फ्री टैक्सी। अब चलता हूँ मैं, आके मिलता हूँ आपको सिक्योरिटी चेक बैगेज करने के बाद। इसके बाद इमिग्रेशन है, उसकी झलक आप देख लेना या अराइवल से बैगेज के लिए, मैं क्योंकि बार बार मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, अलाउड नहीं है, वो सामने दिख रहा है। पासपोर्ट स्कैन करना और निकल जाना है। वीज़ा सर्विसेज के लिए इधर जाना है आपको, ये रहा, चलते हैं। तो भाई फाइनली आ चुका हूँ, पीछे सारे जितने भी हैं ना वो ई गेट्स लगे हुए हैं, मेरा फिंगरप्रिंट दोबारा नहीं ले रहा था, पासपोर्ट रीड कर रहा है उसके बाद, फिर आई कॉन्टैक्ट होने के बाद से रीड नहीं कर रहा था, तो दोबारा से फिंगरप्रिंट लिया गया है। अभी मैं फिर जब लौटूंगा वापस ईरान से तो ई गेट्स को दोबारा ट्राई करूँगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली वर्क करना चाहिए। ये रहा बैगेज, बस यही है, ड्यूटी फ्री एरिया है। अभी तो मेरा बैग भी नहीं आया, बैग आ रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, मेरा बैग आ गया है। एक ही डर रहता है बस यार, बैग को डैमेज ना पहुंचे, नहीं तो डैमेज हो जाएगा ना तो पैसे कैसी कैसी हो जाएगी, इतना पैसे लगा इसमें। बैग की यार रेड मार लेते हैं, पूरी गंदा हो जाता है, पूरा रेड पड़ जाती है, पता नहीं कहाँ कैसे किया उन्होंने। तो उधर पूरा एक सिक्योरिटी चेक था ई गेट्स के बाद से, ये अच्छे लग रहे हैं ना। चलता हूँ बाहर को, देखता हूँ खाने पीने का मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके बाद आपको बाकी अपडेट दूंगा। और मेरे से कुछ नहीं पूछा गया, बस ई गेट्स पे आपको, इनके पास सारा डेटा रहता है सिस्टम पे, तो वो सब वहीं पे देख लेते हैं आपके पास में वीज़ा है नहीं है, तो वहीं क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो कुछ पूछा ही नहीं, 48 आवर्स का ट्रांजिट वीज़ा ऑलरेडी था मेरे पास में। अभी मैं आ चुका हूँ बाहर, अबू धाबी में ऑफिशियली एंटर हो चुका हूँ, अब मेरी कल फ्लाइट है, आपको बोल देता हूँ कहाँ जाना, कल मेरी फ्लाइट है ईरान के लिए, सुबह 6:30 बजे के आसपास है, तो मुझे दोबारा यहाँ पर ही एंटर करना पड़ेगा, पहले एग्जिट करूँगा उसके बाद ही होगा। तो मैं आ गया हूँ अब थोड़ा प्रॉपर बाहर, और देखो यहाँ पे स्टोरेज का भी ऑप्शन है, तो नेक्स्ट टाइम अभी जब लौटूंगा तो स्टोरेज को ट्राई करूँगा, यहीं बैग छोड़ दूँगा, क्योंकि यहीं से दोबारा आना है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। कार रेंटल, पार्किंग, टैक्सी, बसेज, सिम कार्ड अवेलेबल है सारी। टर्मिनल एक, गेस्ट एक्सपीरियंस, ड्राइवर सर्वे, मनी एक्सचेंज वगैरह कुछ नहीं करना है, एटीएम से पैसा निकाल लो बस काफ़ी उतना। तो लॉकर के लिए भाई उस साइड पे जाना है, उस कोने पे दिया हुआ है लॉकर, और थर्ड फ्लोर पे ऊपर जाना है डिपार्चर्स का है, अभी यहाँ पे नीचे से अराइवल्स का है, उस साइड से एंट्री है थर्ड फ्लोर के लिए, वहाँ से आप जा सकते हो डिपार्चर्स के लिए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी कहीं बाहर तो जाऊँगा नहीं, कोई मतलब नहीं है, बैग को भी नहीं रखूँगा, बस जा रहा हूँ लॉकर की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि क्या प्राइस है और कितना बैगेज साइज वगैरह अलाउड है। लगेज एंड स्टोरेज, सिम कार्ड, एटीएम, बैगेज स्टोरेज अभी और आगे, सबसे लास्ट में डाला हुआ है, लॉस्ट एंड फाउंड। डिपार्चर्स के लिए इधर जाना पड़ेगा, फ्लाइट है मेरी सुबह की, और अभी हो रहे हैं 2 बज रहे हैं, और यही 2-3 बजे के आसपास मेरी फ्लाइट भी है, यानी ऑलमोस्ट 12 घंटे बचे हुए हैं। नॉल कार्ड नहीं मिलेगा, नॉल कार्ड के लिए जाना पड़ेगा एक्सिस, यही चेक करते हैं इसमें। मुझे अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, डू यू स्पीक इंग्लिश और हिंदी? English. I need some information. This is my bag. So as of now, I don't require the storage, but I think 6 days are required.
You want to keep it here for some time? Yes, for a day almost or 12 hours. Okay, so these are the prices we have. Okay. 3 hours, it's 35 euro. Mm-hmm. After 3 hours, it goes as 12 hours, which costs 55 euro. Mm-hmm. And if you want more longer, we have option 24 hours. Okay, I can see the order. So for 12.55, up to 12 hours, right? Yeah. Okay. And how many items I can keep it over here? Like just for one piece. One piece. And what are the payment options? Card and... So information yahi hai. Abhi main 12 ghante ke liye rakhunga apna bag. So 55 dirhams ka charge lagega. I'm just checking detail. So agar aapko Abu Dhabi mein karna hai, to ye diya hua hai yahan pe. Card ki validity hai 16 years. Aur personalized free hai. डिफाइंड बाई नेम एंड आई डी कार्ड अगर आपका है तो करा सकते हो, 10 धर्म का पड़ेगा. एनुअल पास है, स्टैंडर्ड सर्विसेज हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतना कोई ज़रूरत नहीं है. अब मैं जा रहा हूँ भाई T3 डिपार्चर पे, थर्ड फ्लोर पे लिखा हुआ सामने इन्फॉर्मेशन. जैसे आप चाहो तो अराइवल्स में आके नीचे से लिफ्ट ले सकते हो, और अराइवल्स की एंट्री जो है ये सामने से हो जाती है. गेट की किधर है, बाकी गेट इधर है, और स्ट्रेट अवे सीधे यहाँ अंदर आओगे, यहाँ लिफ्ट लगी हुई है जिसके थ्रू आप ऊपर जा सकते हो. सो यहाँ से भी स्ट्रेट ऊपर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी उस कॉर्नर से भी जाओगे, उस साइड से, वहाँ से भी रास्ता दिया हुआ है. देखो ट्रांसलूसेंट है, थर्ड पर मैंने क्लिक कर दिया, थर्ड पे जाएंगे हम. विंडोज़ देखो ट्रांसलूसेंट है, वो अंदर बाहर कुछ नहीं दिखेगा. लिफ्ट देख लो भाई, वॉशरूम में अभी गया था. वॉशरूम में क्या मालूम, मैं पीछे तुम्हारे है ना, वो जैसे हम लोग चेयर में सीट वो नहीं सपोर्ट नहीं होता है, वैसे टॉयलेट सीट पे सपोर्ट दिया हुआ है, वो फ्लैप नहीं है अवेलेबल है. ओके, ये 3 पे हम आ गए फिलहाल. ये पूरा डिपार्चर्स का ऊपर मस्त लग रहा है ना. नए एयरपोर्ट के बाद कुछ और होती है, सब कुछ नया नया दिख रहा होता है. डिस्प्ले देखो पूरी लिफ्ट में डिस्प्ले लगा रखी है. ये है सिटिंग एरिया, यहाँ बढ़िया आराम से बैठो मस्त. रात के 11-12 इंडिगो अवेलेबल है दिल्ली से, 12:30 बजे की है, 1 बजे की फ्लाइट है नहीं अवेलेबल है. मेरा है 1 बजे का डिपार्चर है 1:30 पे, अभी तक कोई फ्लाइट तो दिख नहीं रही है. थोड़ा टाइम और पास हो जाएगा उसके बाद. यहाँ पर देखो एटलीस्ट खाने के लिए कम से कम है ना, पूरा जा सकते हैं. पूरा एयरपोर्ट दिखा देता हूँ. कतई बाहर धूप हो रखी है भैया. ये छठवा एंट्री है, कम से कम 7 से 8 जो है वो एंट्रेंस है. स्टारबक्स ही है यार खाने के लिए हर जगह. खाने के लिए कुछ रखा ही नहीं लोगों ने, पता नहीं कैसे बना रखा है. खाली इंसान कॉफ़ी थोड़ी पिएगा यार, किसी को भूख लगी क्या खाएगा डिपार्चर्स में. ये एक नया अपडेट है, प्रायोरिटी पास है मेरे पास में. सबसे चीपेस्ट है, 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिलेंगे. अगर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड का को ब्रांडेड कार्ड विद ईज माई ट्रिप बुक करोगे या अप्लाई करते हो, तो 350 रुपये इसकी ईयरली फीस है, और उसके साथ में आपको ये सबसे सस्ता अभी तक का जो कार्ड है जिसमें प्रायोरिटी पास आपको मिलेगा. सो ये अबू धाबी दिख रहा है आपको. आप लोग कहीं घूमना है मैं घुमाऊँगा, बट आपको मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता. आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आपको घुमाने की पूरी कोशिश करूँगा. कैसे घुमाऊंगा वो मेरे ऊपर है. ऐसे मैंने अपने एक दोस्त को तो अपने साथ में घुमा दिया है, अपने तरीके से थोड़ा बहुत कम खर्चे में. बाकी नेक्स्ट जो होगा, किसी को जो घुमाना है भी है, तो वो मैं जो भी मेरे पास अर्निंग होगी उसके थ्रू करूँगा. बट वो अर्निंग के लिए भाई आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, विदाउट सपोर्ट कुछ नहीं हो सकता. ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ग्लास. इसमें से नीचे से जितनी भी ना एयर पास होती है इसके अंदर से ठंडा रखने के लिए, पुराने ज़माने का स्ट्रक्चर है. तो भाई मैंने अभी कुछ नया किया है, अगर आपको कुछ दिख रहा हो स्क्रीन पे देखो. ये मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया है नून पे, शॉर्मा मंगाया है, क्योंकि डिपार्चर्स में आपको कुछ खाने के लिए है नहीं सिवाय चिप्स कॉफ़ी चॉकलेट इनके अलावा. अब मैंने नून पे ऑर्डर किया है. मेरा नून पे बहुत पहले का अकाउंट था, तो मुझे रजिस्टर नहीं करना पड़ा, मैंने अपनी ईमेल आईडी से उसको लॉगिन कर लिया. बस मैंने जो एड्रेस डाला है वो एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का गेट नंबर 3 का डाला जो कि सामने है. सो लेट्स सी वो बंदा आता है तो मुझे कैसे फ़ोन करता है कैसे नहीं करता है. मैंने उसको बोल दिया वैसे व्हाट्सअप करने के लिए मेरे को, और मैंने क्या कपड़े पहने वो बता दिया है, किस गेट के सामने खड़ा हूँ वो मैंने बोल दिया है. सो मैं अभी गेट के सामने ही हूँ एकदम, देख लो. सो मॉनिटर करता रहूँगा, आएगा बंदा तो ले लूँगा.
आप लोगों में से किसी ने भी ऐसा ऑर्डर प्लेस किया एयरपोर्ट पर रह के बाहर से, अगर नहीं किसी ने किया तो बताओ, नहीं किया तो भी बताओ। सो भाई ऑलमोस्ट आ गया है, देखो एयरपोर्ट के पास में ही है। जो ग्रीन वाला है वो मैं हूँ, और जो बाइक दिख रही है वो ऑर्डर है, सक्सेसफुल रहा ये एक्सपेरिमेंट। और सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, अंदर आओ बाहर जाओ कोई मतलब नहीं, कोई देखने बहुत लगे भाई, बहुत गर्मी है जब। बस ऊपर ही आने वाला है, देख चेक करते हैं। भाई आ गया है, सामने खड़ा है ओवरा नून वाला, ये रहा मेरा ऑर्डर, थैंक यू सो मच। हो गया ऑर्डर, कुछ नया ऑर्डर किया, हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। और वो रही बस एहतियात की, जो शटल सर्विस है जो चलती है, मैं तो बैग उठाऊंगा, सामान उठाऊंगा, खाऊंगा आराम से, मौज करूंगा बस, इतने मज़े हैं। मेरे सामने जो बैग रखा हुआ है, बोल जा भाई, कम से कम आप खाना खाएंगे कुछ बता लेंगे बाद में खाने के लिए। तो आप भी कभी भी दुबई एयरपोर्ट पे या अबू धाबी एयरपोर्ट पे हो तो खाना मंगा सकते हो बाहर से, नून से ऑर्डर कर लेना, टर्मिनल नंबर गेट नंबर डाल देना, बंदा आ जाएगा। और नून पे व्हाट्सएप चलता है तो तुमको टेक्स्ट कर देंगे बंदा। तो भाई अभी हो चुके हैं 9 और 10, 10:30 बजे तक ये बोर्डिंग जो है चालू होगी मेरी वाली फ़्लाइट के लिए, जिसमें जे और एच ये दो काउंटर्स हैं, इनसे ही होगी। अभी चेन्नई के लिए सारी फ़्लाइटें जा रही हैं, और आप रात का देख लो व्यू एक नंबर है, मस्त नहीं लग रहा ना, बढ़िया ये डिस्प्ले बढ़िया लग रही है। बैठ रहा हूँ उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ उठ रहा हूँ, बैग लेके घूम रहा हूँ, बस यही कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टाइम पास कहाँ से करें। एक डिस्प्ले ये लगी बड़ी सी, मैं बस बैग लेके इधर से उधर उधर से इधर कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। दो बार पूछ चुका हूँ, लास्ट एक और पूछा है मैंने, 10:30 बजे शुरू हो जाएगा चेक इन का, 10:30 बजे ट्राई करूँगा, अगर ओपन हो गया तो निकल जाऊँगा। और 10 से 11, 11 से 12 ऐसे 3 घंटे का समय होगा, तीन घंटे के समय में चेक इन है, सिक्योरिटी चेक है, ये सब कुछ करना है, उसमें लॉन्च का एक्सेस है, अगर लॉन्च का एक्सेस मेरे को चाहिए तो मेरे को जाना पड़ेगा। फाइनली भाई सब कुछ हो चुका है, स्टैंप लग चुका है, एयर ईरान के लिए बोर्डिंग पास, तो ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है ना, बैगेज के लिए पूछा, बस बैग टांगा, टैग लगा दिया, दैट्स इट। 4th July ग्रीन दिख रही है, एग्जिट लग गया, ये दोनों एंट्री और एग्जिट उसकी थी अजरबैजान की, तो अजरबैजान भी क्लियर हो चुका, UAE भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मेरे को ईरान में एंटर होते ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मैं यहाँ बैठ के कर सकता हूँ, बट अभी मेरा वीज़ा वैलिड है, तो कल तक के लिए वीज़ा वैलिड है, तो इस बीच में मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। 2 दिन बाद अप्लाई करूँगा वीज़ा, और 1300 रुपये का वीज़ा पड़ेगा मेरे को दोबारा से, यानी कि मैं ट्रांजिट वीज़ा में जो पैसा पे कर रहा हूँ वो करीब 2600 रुपये। ईरान का वीज़ा फ्री है, ईरान में एंटर होने के लिए कंडीशन यही है कि आपको बाय एयर ही एंटर होना पड़ेगा, और 15 डेज़ का स्टे अलाउड है, इससे ऊपर अलाउड नहीं है। अगर आपको इससे ऊपर स्टे करना है तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, जिसकी प्राइस करीब 8 से 9 हज़ार रुपये है, और एजेंट्स के थ्रू लेंगे तो 13,000-15,000 ऐसा पहुँच जाएगा। ये ड्यूटी फ्री के बाद का है सारा, इधर जितना भी लगा परफ्यूम सेक्शन है, ऑलवेज हमेशा परफ्यूम सेक्शन और दारू सारू ही होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। मस्त लाइट साइट जल रही एकदम बढ़िया, चकाचौंध दिल एकदम चकाचंद हो गया मेरे को तो बहुत खुशी होती है भाई कसम से एयरपोर्ट में आने में। ये ऊपर अरेबिका है, ये UAE में जो कॉफ़ी चेन है उसके लिए अरेबिका के नाम से फेमस है, कॉफ़ी पी नहीं होता इनमें पी सकते हैं, इनकी चेन आपकी इंडिया में भी बहुत सारी हैं, एक जगह मिल जाएंगी अरेबिका के नाम से। सो भाई मैं अपने गेट के पास आ चुका हूँ, B 24-23 आ चुका है, आसपास का पूरा सेटिंग एरिया देख लो, ये सेटिंग एरिया लगा हुआ है, ये रहा मेरा गेट B24. Thank you.
वेकेशन की तरफ जा रहा हूँ। वेकेशन का स्टैम्प लगते ही ऑफिशियली एंट्री हो जाएगी कंट्री नंबर 8 में।